आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की न्यू टर्म कंडीशन एंड पॉलिसी की। जो अभी जैसे जैसे आप अपना व्हाट्सएप पर वो अपडेट कर रहे हो तो आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ रहा है और उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन टर्म कंडीशन को पढ़ते नहीं हैं और उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो न्यू टर्म कंडीशन पॉलिसी है वो क्या है और क्या क्या जो व्हाट्सएप ने है वो अपना चेंज किया है। लगभग 8 फरवरी के तक सबके ये अपडेट है वो आने शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों के आ चुके हैं। यानी आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाओगे उन टर्म कंडीशन को। यदि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो आप व्हाट्सएप को वो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त लेके चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग कभी कभी ऐसे सोचते होंगे कि आपके जितने भी डेटा है वो व्हाट्सएप वो अपने सर्वर पर स्टोर करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने किसी को फोटो है वो सेंड की, यदि सामने वाले को डिलीवर हो चुकी है तब वो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर नहीं है। यदि डिलीवर नहीं हुई है तब वो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर रहती है 30 दिन के लिए, उसके बाद में व्हाट्सएप उसको डिलीट कर देता है। बेसिकली आप लोग जैसे कोई कॉल वगैरह करते हो, किसी को वीडियो कॉलिंग करते हो, तब भी अब जो न्यू टर्म कंडीशन हुई है उसमें व्हाट्सएप है वो आपकी जो IPS एड्रेस है या आपकी जो सिग्नल की जो रेंज क्या है वो है, आपका फ़ोन कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ये सारे सब डेटा है वो ट्रैक करता है। और नॉर्मली आपको पता ही है कि जो व्हाट्सएप है वो अभी फेसबुक का है और फेसबुक है वो प्राइवेसी के मामले में बिल्कुल सेफ नहीं है। ये आप सभी को पता है, मुझे भी पता है और जो फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं उनको भी पता है कि प्राइवेसी के मामले में फेसबुक है वो बिल्कुल वीक है, प्राइवेसी इतनी सिक्योर नहीं है। तब व्हाट्सएप है वो भी एक जो है फेसबुक का ही पार्ट्स है जो फेसबुक से लिंक हो चुका है। तो वो कुछ टर्म कंडीशन ऐसी है जिनके अंदर आपको व्हाट्सएप के जितने भी आपके डेटा है वो सारे व्हाट्सएप है वो शेयर करेगा फेसबुक के साथ। जैसे आपके कॉन्टेक्ट है, मोबाइल नंबर वगैरह है, ये सारे व्हाट्सएप के पास है वो डेटा होते हैं। आपकी जो लोकेशन होती है वो भी व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप के अंदर आपको एक फीचर मिल जाता है जिसके अंदर आप लाइव लोकेशन या आप किसी को लोकेशन है वो शेयर कर सकते हो। यदि आप शेयर नहीं भी करते हो तो भी व्हाट्सएप है वो आपके IPS एड्रेस यानी आपकी लोकेशन को ट्रैक वो कर पाता है। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसियों के अंदर चेंज हुआ है। यदि आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो आप एक बार टर्म कंडीशन को ज़रूर पढ़ें व्हाट्सएप की, और उन टर्म कंडीशन के अंदर क्या क्या आपको स्टेप दिए गए हैं वो सारे पढ़ें, उसके बाद ही उसको अलाउ करें या एक्सेप्ट करें, एग्री करें। और न्यू टर्म कंडीशन के अंदर व्हाट्सएप ने ये भी किया है, कहा है कि वो व्हाट्सएप पर अभी ऐड नहीं देने वाला है। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तब वीडियो पर ऐड आता है, उसी ऐड से वो है अर्निंग होती है, लेकिन व्हाट्सएप है वो अभी ऐड नहीं देने वाला। लेकिन जब भी वो बता रहा है कि इन फ्यूचर जब भी वो ऐड देगा तब वो आपको जो है दे भी सकता है। तो अब व्हाट्सएप पे डिपेंड करता है कि वो व्हाट्सएप ऐड देता है या नहीं देता है, वो अपने आगे देखेंगे। बात रहती है आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो बात करें कि आपका जो मैसेज आपने जिस पार्टी को सेंड किया है तो आप और वो दो ही देख सकते हैं मैसेज, अदर थर्ड पार्टी वो सीन नहीं करता। लेकिन कुछ प्राइवेसी है जो फेसबुक के साथ व्हाट्सएप पे वो शेयर करता है, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर है वो बता दिया। आपको जानना है कि व्हाट्सएप जो है वो आपके डेटा है वो फेसबुक के साथ क्या क्या शेयर करता है। तो जैसे आपके रजिस्टर्ड ID है, नंबर है, या आपने जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह किए हैं वो सारे के सारे वो व्हाट्सएप है वो आप फेसबुक के साथ है वो शेयर करता है। तो अब ये जो 8 फरवरी तक आपका सीधा सा सिंपल सा अर्थ है कि यदि आप एग्री करोगे तो ही आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाओगे। जब भी आपके पास एग्री का नोटिफिकेशन आता है तो एक बार टर्म कंडीशन है वो ज़रूर पढ़ लें। और पहले आप व्हाट्सएप 5 साल का बच्चा भी चला लेता था, 10 साल का बच्चा भी चला लेता था, 15 साल का बच्चा भी व्हाट्सएप पर वो चला लेता था। लेकिन अब आपको टर्म कंडीशन ऐसी आ चुकी है जिस पर आप सिर्फ 16 प्लस वाले बच्चे ही व्हाट्सएप पर वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये पहले में अब बहुत ही बदलाव हो गया है टर्म कंडीशन के अंदर। और यदि आप व्हाट्सएप पर कुछ जैसे राजनीतिक से संबंधित आप कुछ भड़काओ कुछ कर रहे हो या कुछ गलत मैसेज कर रहे हो या कुछ वीडियो वगैरह अडल्ट वीडियो वगैरह सेंड कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर व्हाट्सएप है वो आपका अकाउंट है वो बैन भी कर सकता है। तो ये कुछ नई टर्म कंडीशन है, आपको बिना अलाउ किए व्हाट्सएप है वो आपका अकाउंट है वो बैन कर सकता है और उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये कुछ चेंजिंग हुए हैं, कुछ बदलाव हुए व्हाट्सएप के अंदर। अब व्हाट्सएप चलाना या न चलाना वो आप पे डिपेंड है। तो जो कुछ नई पॉलिसी आई है वो मैंने आपको रूबरू है वो बता दी, और आपके पास अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आ चुका है आपने गलती से एक्सेप्ट कर लिया है तो भी आप देख सकते हो, और नहीं आया तो अब आपके पास आ जाएगा 8 फरवरी से पहले पहले, तब आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें कुछ टर्म कंडीशन आएगी, वो आप एक बार जरूर पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।